हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर के औरंगाबाद में 3 दिसंबर 2019 को महिला की हत्या कर शव को आग लगाने मामले में बुलंदशहर स्वाट टीम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि मृतका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के पति ने की थी। आरोपी पति ने अपने साथी के साथ मिलकर पत्नी वंदना को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि मृतका आरोपी पति को व्यापार के लिए पैसा नहीं दे पाई थी। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उपलो से रुक रुक कर उठता धुआं और ठंडी पड़ती दिख रही आग की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब आज से 3 महीने पहले बुलंदशहर की औरंगाबाद पुलिस को कोतवाली क्षेत्र के परारी के जंगलों में अज्ञात शव जलाए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पहली नजर में पुलिस को लगा कि जंगल में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक किसी शव का दाह संस्कार किया जा रहा है, मगर आसपास के इलाके में किसी भी व्यक्ति की मौत की पुष्टि नहीं होने पर पुलिस ने तत्काल आग को बुझाते हुए आग से निकली मानव कंकाल की हड्डियों को कब्जे में लेकर अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जबकि डीएनए को भी सुरक्षित कर लिया गया। घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच कराई गई और घटना के जल्द खुलासे के लिए स्वाट टीम को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। पुलिस के अथक प्रयासों के बाद शव की शिनाख्त हापुड़ निवासी वंदना के रूप में हुई, जिसके बाद बुलंदशहर स्वाट टीम और औरंगाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने शव की शिनाख्त कर घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच करते हुए हत्याकांड की कड़ियां जोड़नी शुरू की। तो जांच में सामने आया कि मृतका की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके खुद के पति ने की थी। लगभग 5-7 दिन पहले एक आदमी ने बंद लिफाफे में कुछ सूचनाएं मुझे दी, उसको डेवलप करने के लिए उसने आशंका जाहिर की कि बरारी गांव का ही एक युवक है जिसने लव मैरिज किया है, कोर्ट मैरिज किया था, और उसकी पत्नी के 6 माह की बेटी भी है और उस बेटी को अपने माँ बाप के यहाँ पहुँचा के बताया है कि उसकी पत्नी अब नौकरी करने लगी है। तो उसने आशंका जाहिर की थी कि संभवतः वो व्यक्ति हो सकता है जिसने अपनी पत्नी को यहाँ पर जला करके मारा, और फिर गहराई के साथ स्वाट टीम प्रभारी ने अपनी पूरी टीम के साथ इसमें बहुत परिश्रम किया। तमाम नंबर्स उस लड़की के कॉल डिटेल निकलवाई गई तो हत्या की शाम के बाद से वो नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उससे भी साबित हुआ कि वंदना नाम की लड़की जिसकी शादी उस गांव के एक युवक के साथ अमित के साथ हुई थी, उसका मोबाइल उसी तारीख से बंद है। तो तमाम प्रयास के बावजूद फिर पूरे इस 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक उस महिला का पति अमित जो उसी बरारी गांव का रहने वाला है लेकिन उस गांव में कभी रहता भी नहीं, बीटेक इंजीनियर है, और उसने कोर्ट मैरिज किया था हापुड़ की लड़की से, और उस कोर्ट मैरिज की वजह से उस लड़की के परिवार के लोग नाराज थे और उनसे भी संपर्क किया गया तो शुरुआती दौर में वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था अपनी बेटी में। काफ़ी समझाने के बाद फिर उनसे और ज़्यादा जानकारी ली गई। तो इस तरह से एक अज्ञात घटना का अनावरण बहुत सफलतापूर्वक। पुलिस की माने तो बरारी निवासी आरोपी अमित ने 2 साल पहले हापुड़ निवासी मृतक वंदना से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से ही वंदना अमित के साथ हरियाणा में किराए के मकान में रहती थी। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि आरोपी अपने करीबी दोस्त के साथ मिलकर कोई बड़ा कारोबार करना चाहता था, जिसके लिए वो पत्नी वंदना से पैसे की मांग कर रहा था, और पत्नी के पैसा देने से इनकार करने पर आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न सिर्फ पत्नी की हत्या की साजिश रची बल्कि उसे बुलंदशहर लाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी ने मृतका के शव को अपने पैतृक गांव बाहर लाकर शव को आग लगा दी। सर, ऐसा हमारे जी आपसी झगड़े काफी थे, उस दिन भी झगड़ा हुआ था, झगड़ा कुछ ज़्यादा ही ओवर बढ़ गया था। उसके बाद मैं उसे थाने में भी ले गया था कि थाने में जाके सुलह हो जाए, लेकिन थाने में जो अपने प्रशासन ने जी समझा बुझा के हमें भेज दिया बल्लभगढ़ से ही। बल्लभगढ़ से आने के बाद मैंने उससे कहा कि उन्होंने जैसे हमसे कहा था कि घर पर बैठ के बात कर लो, तुम अपने जो भी है घर वालों आपस में समझ लें, लेकिन उसके घर वालों से हमारा कोई शुरू से कभी संबंध था ही नहीं।
तो जी उसने घर पे आने के बाद मेरे साथ ज़्यादा बदतमीजी कर दी, मेरे को मारने की धमकी देने लगी कि लड़की को लेकर सुबह चली जाऊँगी और तू देखना सुबह तेरी आँख नहीं खुलेंगी है वो। इस चीज़ से जी मैं डर गया क्योंकि वो पहले भी एक दो बार लड़की को घर से लेके जा चुकी थी। तो सर फिर मैंने जी प्लान बनाया, मतलब जो भी है वहाँ से उसे लेके आया जी यहाँ पे सरोदन बराल रोड जो अपना ये गुलावटी वाला रोड पार करके यहाँ पे आके हत्या की सर। हत्या करने के बाद अपने गांव के बाहर बरारी लेक गया, वहाँ जाके उपले उपले बिछा के उसको रख के घी भी डाल के और उपले लगा के और ऊपर से पेट्रोल डाल के जला दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अमित को उसके दोस्त के साथ उस कार समेत गिरफ्तार कर लिया जिस कार को खौफनाक हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया था। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।